यदि सहस्त्र शक्तिपुंज एक साथ संगठित हो जाएं, तो वो एक ऐसा ओजस्वी रूप धारण कर लेते हैं जहां हमें कहना पड़ता है कि हम शायद सूरज को रोशनी दिखलाना ही कहेंगे अगर आदरणीय युग कवि पद्म भूषण श्री नीरज जी के बारे में मैं कुछ भी बयान करूं तो। दोस्तों, सांझी तहजीब इनका मजहब है। जिंदगी के सही मायने तलाशना और केवल इंसानी जज्बातों को अपना उसूल रखना अव्वल मानते हैं। ये तन मन और आत्मा की पीड़ा को काव्य रूप में ढालकर हम सब के लिए खुद एक चारागर बन जाते हैं। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। दोस्तों, खड़े होकर एक बार इस्तकबाल कीजिए आदरणीय नीरज जी का इस मंच पर। और आज की रात हम सब उनको दिल खोल कर सुनना चाहेंगे। स्वागत है नीरज जी का। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एहसानमंद हूँ, आपने मुझे इस अच्छी महफिल का सदर बनाया। भाई वसीम साहब ने जो शेर पढ़े, हमारे राजभाने जो शेर पढ़े, क्या बताऊँ, मैं वैसे शेर नहीं पढ़ सकता, तबीयत भी ठीक नहीं रही, देख पर चल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आया हूँ आप लोग बुलाने से। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। एक चीज बोल रहा हूँ, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन घरे सूत्र को छाना मैंने, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन घरे सूत्र को छाना मैंने, जब जान लिया सब कुछ तो है मेरे नीरज, मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने, मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने। एक बड़ी फेमस मेरी गजल की शेर हुआ पढ़ रहा हूँ, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, कोई बताए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बताए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। जिसकी खुशबू से मैं कुट्ठे पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से मैं कुट्ठे पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का रसन तो खिलाया जाए। तेरे दुख दर्द का मुझ पर वो असर कुछ ऐसा, तेरे दुख दर्द का मुझ पर वो असर कुछ ऐसा, तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, तो मतलब कोई ऐसा भी चलाया जाए। एक गजल की शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी जिंदगी सफर में काम आ गई, बच के सफर में ट्रेन, ये सब जिंदगी सफर में आने वाला शेर है। ये ओशो रजनीश का नाम सुना होगा आपने, रजनीश, ओशो रजनीश का नाम सुना नहीं, सुना? वो मेन मित्र थे, तो पहले लिखते थे आचार्य रजनीश के प्रणाम, जब लेक्चर थे वो जबलपुर में, उसके बाद भगवान में भगवान रजनीश ने कहते मेरी मुलाकात उनसे 88 में हुई, तो मैंने उनसे कहा रजनीश जी आपको एक दिन रजनीश भी छोड़ना पड़ेगा, ये भगवान छोड़ना पड़ेगा, आचार्य छोड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने आत्मा के गौर शंकर पर प्रवेश करने जा रहे हो, इतने भोज लेके जाओगे, तो ये सारी उपाधियाँ भोज हैं मनुष्य के लिए, उतार जैसे ऊपर चढ़ते हैं नीचे बोझ फैलने पड़ते हैं, समझिए। जितना कम सामान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।
कितने बार इकट्ठी होगी उतना तू हैरान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। ये मुशर्रफ साहब जब आए थे अटल बिहारी वाजपेयी में साथ रहे हैं, तो उसको मैंने शेर लिख के भेजा था, हाथ मिलें और दिल न मिले हो, हाथ मिलें और दिल न मिले हो, ऐसे में नुकसान रहेगा, हाथ और दिल न मिले ऐसे नुकसान रहेगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। ये शेर सुनिए कहाँ तक जाता है शेर, न तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मेखाने में। न तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मेखाने में, इतने बदनाम हुए हम तो जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां में। एक शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत टोपी है, बहुत जगह फिट हो सकती है। अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। यही सबसे कठिन बात है मित्रों, जन्म जाते जन्म शूद पैदा होता है, उस ब्राह्मण तब बनता है, ब्रह्म तब बनता है जब वो अपने से परिचय होता है। हमारा परिचय अपने से, दुनिया से परिचय हो जाता है, दुनिया बात करते, दुनिया से बात करने अपने साथ डरता है, खुदा से डरता है, अपने से डरता आदमी, क्यों अपने नंगी तस्वीर को नहीं देख सकता। जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। और एक शेर है, मतलब ये है, आदमी खुद के लिए कम जीता है परिवार नहीं जीता, गलत काम ही करता है उनके लिए, परिवार के लिए, बच्चों की सेफ में चले जाऊँ, सुरक्षित रहे, तो क्या होता है आदमी, आप मत पूछिए क्या हम पर सफर में गुजरी, आप मत पूछिए क्या हम पर सफर में गुजरी, था लुटेरों के जहाँ गाँव वहीं रात हुई, था लुटेरों के जहाँ गाँव वहीं रात हुई, आप मत पूछिए कि हम पर सफर में गुजरी, था लुटेरों को। एक खालिद गजल का शेर सुनिए, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान की। खुशबू सी आ रही है उधर जाफरान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान की, जो लूटने कहाँ रही दुल्हन की पालकी, जो लूटने कहाँ रही दुल्हन की पालकी, हालत यही आज का हिंदुस्तान की, हालत यही आज का हिंदुस्तान की। ये मैं न्यूयॉर्क में शेर पढ़ा था, गया था अमरीका, तो वहाँ बड़े बड़े धनी लोग, धन की बात, थोड़ा धन तो बहुत है बस, लेकिन हिंदुस्तान ज़्यादा धनी आप नहीं है, आप बड़े हो सकते धन्य, हिंदुस्तान ज़्यादा धनी नहीं है अपने, कैसे नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ। ये बच्चा जी क्या नहीं भाई, में नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की, नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है आलमन के मकान की। देखिए शेर पढ़ रहा हूँ, ये क्या लोग नफरत को फैला कर समझते हैं उसका फ़ायदा होगा, लेकिन नफरत तेजी नागिन होती है कि खुद को नहीं डरती है दूसरे से डरती है, तो इसको इस तरह समझिए, आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, रोशनी के लिए शोलों को हवा देता है, शोलों हवा देने से क्या जल तो जाएगा लेकिन घर घर भी जा सकता है, रोशनी के लिए शोलों को हवा देता है। शेष ने कहा मुझको उस वैद्य की विद्या पर तरस आता है, उसको वैद्य की विद्या पर तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है, मुझको उस वैद्य की विद्या पर तरस आता है,
मुंह के लोगों को सेहत की दवा देता है। और श्री शेर, मैं किसी बच्चे की मनस उठता हूँ, मैं किसी बच्चे की मनस उठता हूँ जब कोई माँ की तरह मुझको दुआ देता है। तो कोई माँ की तरह आखिरी शेर है, मत उसे ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, मत उसे ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता देता है, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता देता है। एक शेर सुनिए, क्या हुआ देख कर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। देख कर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। इनकी खुशबू से कोई न पहचानती, उनके घर फूलों की पालकी आ गई। इनकी खुशबू से कोई न पहचानती, घर फूलों की पालकी आ गई। बंधेरों के घटने की आशा नहीं, सवेरे की कोई न उम्मीद है। बंधेरों घटने की आशा नहीं, सवेरे की कोई न उम्मीद है। मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी, इनके हाथों में सब रोशनी आ गई। मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी, हाथों में मैं भूल गया। एक देखिए, जब सम्मान माँ वापस की थे लोगों ने वास्ते, तो मैंने गीत दिखा था, सम्मान वापस करवाई थी, साजिश थी। सम्मान वापस देखे लाख भी लेके मिली वापस, आपने वापस दे दी सम्मान आपने सब लौटा के वापस, क्या मतलब हुआ ये? अब दिया फिर लौटा दिया, क्यों पहचान क्या पड़ा? अब उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा, उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं, उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। एक भी कंदील तक जलती नहीं कोई शहर में, जुगनुओं की रोशनी में काम चलता है शहर का। और इसका अमृतसरी बाजार अपमानित हुआ है, बढ़ गया भाव हर दुकान पर अब तो जहर का। लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ फिर, लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ फिर। रस विधायक स्वर सफेदों का समर्थन कर रहे हैं, अब उजालों को यहाँ वनवासी चुनिए। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर किसी के शीश पर तलवार एक दंगी खड़ी है। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर किसी के शीश पर तलवार एक नंगी खड़ी है। एक कब्रिस्तान की मानंद है खामोश बस्ती, उल्लुओं की मेहजाबाज पेड़ों पर जड़ी है। नील का निर्माण करते थे कि कोयल के लिए जो, नील का निर्माण करते थे कि कोयल के लिए जो, चील गिद्धों के बसेरों का समर्थन कर रहे हैं। उजालों का वहाँ बदवासी लेना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। जोड़ते थे जो सभी पिछले दिलों को, जोड़ते थे जो सभी पिछले दिलों को, पाटते थे जो सभी ही खाइयाँ, जोड़ते थे जो सभी पिछले दिलों को, पाटते थे जो सभी ही खाइयाँ। ईद होली के मिलन त्योहार पर जो बजाते थे मधुर शहनाइयाँ, आज वही लोग लेकर नाम धर्मों का, आज वही लोग लेकर नाम धर्मों का मारने वाले विचारों का समर्थन कर रहे हैं। विचारों को हम आखिरी बन गया है। था सुना हमने जिनके खास नबर से, जागती थी किस्मत सोए जमानों की। था सुना हमने जिनके खास नबर से, जागती थी किस्मत सोए जमानों की। और जिनके क्रोध की चिंगारियां छूकर टूट जाती थी सराखें जेल खानों की। आज वही लोग पद के लोभ लालच में, आज वही लोग पद के लोभ लालच में देश के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। उजालों को यहाँ वनवासी लेना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, चार पत्नियां हैं। देखिए मौत का मतलब क्या है, जागृति में तो जीवन है। आप जब आँख खोल कर सो रहे हैं तो सो रहे हैं। आदमी अक्सर होता क्या, आँख खोली है, आँख खल सो रहा आदमी। सही बात है, सत्य है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ वर्ड्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ थॉट्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इंक्लिनेशन। हमें शब्द के बारे में अर्थ नहीं जानता। आप लिखते हो अपने वाइफ को माई डियरेस्ट, बट यू नेवर मीन इट। यू जस्ट वांट टू गेट योर मोस्ट सिंसियर इमोशंस रेडी। जब जब जमीन को बता दो भूल के साथ लिख दिया था, तो आप शब्द को लिखो, समझ कर लिखो अर्थ क्या है। कभी लिखता है मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, कितना मैंने प्यार कर दिखा दिया भाई। शब्द का अर्थ नहीं जानते, लेकिन मैं कभी लेटर में कभी भी किसी योज ट्यूली नहीं लिखता, योज मैं योज एट सेटर लिखता हूँ बस।
और प्रेम लिखाऊँ सब प्रेम लिखूंगा बस। आपका भी नहीं, आपका लिखा तो गलत है। जानता हूँ मैं कि मेरी सास तक मेरी नहीं है और जो है और मेरी लाश तक मेरी नहीं है, फिर कैसे कह दूंगा आपको हो गया आपका कितना जरूर है। आपका लिखना कितना गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो वही कह रहा हूँ अवेयरनेस इज लाइफ, अनअवेयरनेस इज डेथ। कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डब आ गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डब आ गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ पर जितनी ही तो बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डब डब आ गई। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, आप अपने विश्वास करिएगा और किसी विश्वास नहीं करिए। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसदार निकल सकती है, इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह। जैसे कहता हूँ जो क्षण में आदम को तो जीवन के अंदर क्षण मांग रही हो, दैट इज सीक्रेट ऑफ लिविंग। जो क्षण मिला कल क्या हो गया कौन जानता है, एक मिनट बाद क्या उसके साथ क्या होता कोई नहीं जानता। जो क्षण मिला लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पल मान, क्यों मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पल मान, अंतिम पल है कौन सा का है जान, अंतिम पल है कौन सा का है जान, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो गया नाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो गया नाम, कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम। एक कविता सुनाना चाहता हूँ, आपको समझ में आई शायद, मैं नहीं मानता अब ये हॉगिंस का अपने बड़ा हो गया ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द सिया, उसने कहा ही डजंट बिलीव इन गॉड, ही डजंट बिलीव इन स्वर्ग नरक, ही डजंट बिलीव इन री इनकार्नेशन। मैं भी नहीं मानता तीन चीजों, ना ग्रेट मानता ना ईश्वर का मानता, प्रकृति का सारा खेल है। आप जंगल में देखो क्या होता, समय से शाम तक क्या होता है, जंगल में आदमी पेट के भूखे मरता मरता बस बस दो भूखे हैं, ये पेड़ की भूख हृदय की भूख, किसी का दर्शन नहीं की चलो पीछे निकली हो कुछ नहीं है। अमृत बंधन की बात सुनी ही थी केवल, समृत बंधन की बात बनी होगी आपने, अमृत बंधन की बात सुनी ही थी केवल, लेकिन आंखों से अब नमंथन देख लिया, वो धन मनुष्य के सास लाख सितारों में जला दिया तुमने मिट्टी का एक दिया। अब सबका सब दिग मंडल ये तारा मंडल उसके हाथों में बस एक खिलौना है, छोटी सी मिट्टी के पुतले के आगे जल जंगम का संबंध दीखता होना है, हर प्राणी का है जन्म हाथ में उसके अब जय मृत्यु पर पाने की तैयारी है। इन दिस सेंचुरी मैन विल कॉन्कर डेथ, आदमी की लाइफ इतना बढ़ दिया उसने, लाइफ इतना बढ़ने बढ़ गया ना आदमी का, बहन बरस के मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पहले लाइफ हर प्राणी का है जन्म हाथ में उसके विजय मृत्यु पाने की तैयारी है, उसके अपनी सुविधा की चाहे जिसको हमने ईश्वर के कल मर जाने की बारी है, गॉड विल डाई टुमारो, नहीं मरा मर जाने उसके नाम पर धन बने संसार में 4000 धर्म बने, धर्म ने क्या किया आदमी खून बाहर कुछ नहीं किया, 4 धर्म उस ईश्वर के नाम पर बने इसको हम देखा नहीं, और उसके 4000 धर्म उन्होंने खून भरा आदमी को क्या किया कौन सा धर्म था, तो इसलिए ईश्वर को मर जाना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है धर्म तो होता नहीं संसार में, धर्म के नाम में धर्म की लाश होती है कुछ नहीं है, लाश घर में रखा नहीं जाता, चपटा फेंक दो। मैं कहता हूँ हर प्राणी का है जन्म, क्लोन के सिद्धांत आ गया, हर प्राणी का है जन्म हाथ में उसके अब जय मृत्यु पर पाने की तैयारी है, अपनी सुविधा के लिए रचा जिसको हमने ईश्वर के कल मर जाने की बारी है नहीं मनुष्य बड़ी शक्ति को भी जग में उसने अगम्य को भी गम बना डाला, इसके दरवाजे तक न पहुँच पाया कोई अंतरिक्ष का खोल दिया उसने ताला, तो क्या है मनुष्य बड़ी शक्ति कोई नहीं है। बात आपकी समझ में नहीं आई क्या बात, क्योंकि आज का भगवान तो विज्ञान है, आज का भगवान तो विज्ञान है, जिससे भगवान कहते वो तो हनुमान है, हनुमान है, हनुमान है, लेकिन हनुमान होना जरूरी है, भगवान नहीं होना जरूरी, इसलिए नैतिकता बनी रहे,
आज डरता रहा किसी से, डरेगा नहीं तो कैसे इसलिए क्या किसके भगवान कैसी है, शरीर के समान शरीर में दिखाई पड़ता है, पास पास धरती जमीन मिलते हुए दिखाई पड़ता, धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते, पास जाओका मृगमरीज का है, तो मरीजिका क्या करती है, हिरण को भागने की शक्ति देती है ना, भगाता होता है हिरण को, तो क्या है भगवान नहीं है, उसका होना जरूरी है, इससे नैतिकता बनने आवश्यक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा आपका मिलन जो हुआ सिर्फ सुनक की होता, याद रखना पिता पुत्री माता पिता भाई बेटा सब सब छोड़ने के लिए होते हैं, मिलने के लिए कोई नहीं होता। बढ़ रहा हूँ ये दुआ सुनिए आप, ये बड़े काम का आप कैसे दुआ है, पिता पुत्री माता पिता भाई बहन कोई साथ जाने वाला नहीं होता, सब गले जाएंगे क्यों, जाने कौन एक्सप्लेन का आदमी कल शादी में कहूँगा करना चाहिए, कहीं दिल्ली में शादी, कोई बम्बई शादी हो रही, क्या मतलब है, कोई कहीं रहने वाला है कहीं रहने वाला है, समझे एक प्लेटफॉर्म पे दो आदमी बैठे थे, एक आदमी जाना दिल्ली का लखनऊ जाना था, बहुत दिल्ली ट्रेन होती लेट हो जाएगी, लेट हो जाएगी अपना प्यार हो गया, रोज रोज चले गए, जब दिल्ली दिल्ली वाले चला लखनऊ, इस तरह संसार है ये मित्रों, हर पल को जो मित्रों सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ एक मुसाफिर, यही सब गाने मुझसे कह रहे हैं, आदमी जाते कह रहे हैं गाय तो भाई को कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसे क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत को जरा झूमके गा लूँ तो चलूँ, ऐसे क्या बात है चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत को जरा झूमके गा लूँ तो चलूँ, पाद मेले जो यहाँ और है गाने वाले, सुर्खी तपकी से पहाड़ों को सुलाने वाली, उजाड़ बाग पिया बन सुनसानों में, छंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले, उनके पैरों के फफोले न कहीं फूट पड़े, उनकी राहों के जरा शूल हटा लूं तो चलूं, हम पढ़ा माफ कीजिएगा पढ़ा, मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया, मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया, पता नहीं वो जाने वाला इधर गया या उधर गया, क्या था चाक समय का काल का चक्र था, उसमें घटा बन गया पकड़ा था, काल चाक समय का घट माटी का, चाक समय का घटमाटी का जो था हम जीवन समझे, जो था हम जीवन समझे, एक रंगीन तमाशा था जो उसको हम जीवन समझे, भेद खुलाए तब जब सपना सारा वैभव बिखर गया, पता नहीं वो जाने वाला इधर गया, वो बसेंगे एक कालखंड और बीत गया, एक कालखंड एक वर्ष और बढ़ गया, एक कालखंड एक शब्द है अगीत, मैंने कौन किया शब्द अगीत का तो प्रोस गीत नहीं, प्रोस गद्यों का रस नहीं होता ना, कविता रस होता है, एक कालखंड और बीत गया, रह गया अगीत शेष गीत गया, रह गया अगीत शेष गीत गया, एक कालखंड और बीत गया, लौ और मध्यम हुई जीवन की भांति की, लौ और मध्यम हुई जीवन की भांति की, लिपि भी स्पष्ट हुई आगत की पाती की, ढूंढ रहा हूँ मेरा घास बत बीत गया, एक कालखंड और बीत गया, जब मुझको हंसना था, जब मुझको हंसना था तब तो मैं रोया, जब मुझको हम बचपन के आने जब मुझको हंसना था तब तो मैं रोया, थोड़ा कुछ पाने को बहुत बहुत खोया, थोड़ा कुछ पाने को बहुत बहुत खोया, बूंद बूंद करी हुई जीवन घट बीत गया, एक कालखंड और बीत गया, बाल और सफेद हुए आज केश, बाल कुछ सफेद हुए और आज केशों में, बाल कुछ सफेद हुए और आज केशों में, लोग मुझे गिनने लगे अब तो अवशेषों में, काम खत्म, लोग मुझे गिनने लगे अब तो अवशेषों में, शायद मैं हार गया और समय जीत गया, एक कालखंड और बीत गया, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।